नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लच पर। जी हाँ दोस्तों, एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी हुई। साथियों, आप लोगों को पता है कि आज कैबिनेट की मीटिंग हुई थी दोबारा से। तो साथियों, इस कैबिनेट की मीटिंग में अनुबंधित कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया गया है सरकार के द्वारा। जी हाँ, जो उम्मीद की जा रही थी भाई, इस मीटिंग में कुछ ना कुछ जरूर फैसला निकल कर आएगा, तो दोस्तों वो फैसला आ चुका है। देख लीजिए सरकार ने क्या बड़ा फैसला लिया है, किस तरह से रोजगार सुरक्षा प्रदान की गई है कच्चे कर्मचारियों को हरियाणा के। जी हाँ, और इसके साथ साथ, जी हाँ, रोजगार सुरक्षा के साथ साथ और क्या मिलेंगी उसके बारे में भी इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। देख लीजिए दोस्तों, यहां पर DPR हरियाणा का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है दोस्तों, इससे जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने आज अनुबंधित कर्मचारियों के हित में बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अनुबंधित कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का फैसला किया है। इससे प्रदेश भर में लगभग 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। जी हाँ, रोजगार को सुरक्षा करने की यहाँ पर दोस्तों बात बोल दी गई है। जॉब सुरक्षा देने का यहाँ पर दोस्तों काम किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा 1,20,000 कर्मचारियों को, तो बड़ी खबर दोस्तों कह सकते हैं। और इस रोजगार सुरक्षा के साथ साथ उन्हें लाभ क्या मिलेंगे, अन्य लाभ दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर उसकी भी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे साथियों, अनुबंधित कर्मचारियों को पे स्केल का बेसिक वेतन प्रदान किया जाएगा। जी हाँ, पे स्केल जो भी है उसका बेसिक प्रदान किया जाएगा। साथ ही महंगाई भत्ते यानी कि DA अलाउंस के अनुरूप नियमित कर्मचारी की तर्ज पर हर जनवरी और हर जुलाई की पहली तारीख को अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि करने का भी प्रावधान है। जैसा कि दोस्तों आज सुबह भी हमने जो है उम्मीद जताई थी कि भाई जो है रोजगार सुरक्षा की जा सकती है। जी हाँ, वैसे पक्का करने की बजाय जो डिमांड करते हैं कर्मचारी, ये तो शायद सरकार ना भी करे, लेकिन रोजगार सुरक्षा की अगर बात करें तो वो प्रदान की जा सकती है गेस्ट टीचर की तरह से। और लगभग उसी तरह का ये कदम है जिसमें यहाँ पर 58 साल तक रोजगार सुरक्षा और साथ में जनवरी महीने और साथ में जो जुलाई महीने यानी कि हर 6 महीने में जो एक तरह से पक्के कर्मचारी की जो सैलरी बढ़ती है DA के रूप में, वो अनुबंधित कर्मचारियों को भी दोस्तों जो है मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो आगे क्या मिला है ये देख लीजिए। अनुबंधित कर्मचारियों को 1 साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि देने का भी प्रावधान किया गया है। ऐसे सभी कर्मचारियों को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी का लाभ भी मिलेगा। इतना ही नहीं, अनुबंधित कर्मचारी मैटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ के पात्र भी होंगे। तो मैटरनिटी लीव जो मिलती है महिलाओं को, तो उस दौरान जो भी उनको लाभ देने होते हैं वो सारे के सारे लाभ भी दोस्तों यहाँ पर अनुबंधित कर्मचारियों को मिलेंगे। तो बड़ी खबर दोस्तों कह सकते हैं, इन कर्मचारियों की जो रोजगार सुरक्षा की मांग थी, हालांकि मांग तो यही थी भी पक्का किया जाए, लेकिन पक्का सरकार ने भले ही नहीं किया हो, लेकिन एक सिर से बोझ उतारने वाला काम कह सकते हैं कि जो दबाव लगातार रहता है कच्चे कर्मचारियों को नौकरी जाने का, उस दबाव को हटा दिया है हरियाणा सरकार ने। साथियों, यहाँ पर बड़ी जो है खबर कच्चे कर्मचारियों को दे दी है, अब 58 साल तक रोजगार सुरक्षा 1,20,000 कर्मचारियों को मिल जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी ये खबर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप इस पॉलिसी से सहमत हैं या फिर नहीं हैं, जो भी आपके विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।